कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता। और इस तरह से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और बिहार के जो है नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमानित करने का काम किया है। इसलिए मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि कम से कम किसी को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं किसी धर्म को तो अपमानित करने का भी अधिकार आपको नहीं है। ये लोग सनातन के नाम पर खून करने वाले लोग हैं। अब आप समझ लीजिए कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, तमाम लोग माता जी की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और ये लोग नवरात्रि में मछली भात खाकर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? जैसे जब नवरात्र के अवसर पर मछली वाली जो वीडियो चलाई है इससे उनकी मानसिकता ही झलकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए तेजस्वी यादव मछली खाते हुए एक वीडियो साझा करते हैं और उसके बाद वो रिट्वीट भी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि IQ टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये IQ टेस्ट ऐसा था कि नवरात्रि के पहले दिन ही वो मछली खाते हुए डाल रहे? एक तरफ वो नवरात्रि और नववर्ष की शुभकामना भी दे रहे हैं, साथ में वो मछली खाते हुए भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब उन वो बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया का IQ टेस्ट हो रहा है क्योंकि उस पर ऑलरेडी हमने दिनांक यानी वो जो डेट है वो मेंशन कर दिया है, 8 तारीख को हम लोग खाए थे और इस वीडियो को 9 तारीख को वो साझा करते हैं। तो आखिर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो 9 तारीख को ही क्यों वीडियो शेयर किए? इसके पहले या नवरात्रि के बाद भी कर सकते थे। बहुत सी लोगों की भावनाओं पर वे ठेस पहुंच रही है इस वीडियो की वजह से। खैर चलिए आपको बताते हैं कि NDA के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप भी सुनिए कि उन नेताओं ने क्या कुछ कहा। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। देखिए जिस तरह से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और बिहार के जो है नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमानित करने का काम किया है। इसलिए मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि कम से कम किसी को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं किसी धर्म को तो अपमानित करने का भी अधिकार आपको नहीं है। ये लोग सनातन के नाम पर खून करने वाले लोग हैं। अब आप समझ लीजिए कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, तमाम लोग माता जी की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और ये लोग नवरात्रि में मछली भात खाकर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? देखिए तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यही कहा जाता है संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाते हैं। जैसे जब नवरात्र के अवसर पर मछली वाली जो वीडियो चलाई है इससे उनकी मानसिकता ही झलकती है। पिछले दिनों उन्होंने राम मंदिर की जो अस्पताल बनाने का एक आइडिया दिया था, इन तमाम चीजों से यह स्पष्ट है कि तेजस्वी जी के मन में सनातन धर्म के प्रति जिस तरह की श्रद्धा है
नवरात्र के अवसर पर जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, इससे उनको मालूम है कि कितने सनातनियों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो आपने सुना कि एनडीए के जितने भी तमाम नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अब देखिए, ये समझने वाली बात है कि ठीक है, आप मछली खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब 8 तारीख को आप खाए तो ठीक उसी दिन आप डाल रहे हैं जिस दिन नवरात्रा शुरू हो रहा है। आपने आईक्यू टेस्ट तो ले लिया, लेकिन अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। क्या नवरात्रि के दिन ही आपको ये वीडियो शेयर करना था? अब लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या आपकी रिचार्ज खत्म हो गई थी, तो कह देते हम आपका रिचार्ज करा देते भाई, इस आप नवरात्रा बाद इसे डाल लेते, 8 को डाल लेते, लेकिन आप 9 को ही क्यों डाले। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।